हाय गाइस, मैं इमरान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्निकल आदिलाबादी। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर से आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी टॉपिक और देखते हैं क्या कुछ खास है आज की हमारी टॉपिक में। अब यूज़र के देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे मैसेज। व्हाट्सएप ला रहा है ये खास फीचर। व्हाट्सएप सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग की टेस्टिंग कर रहा है। इस फीचर के जरिए मैसेज एक समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। पॉपुलर ऐप व्हाट्सएप पर यूजर्स को आए दिन नए फीचर्स देखने को मिलते हैं। फिलहाल ऐप एक ऐसे फीचर पर काम कर रहा है जो फोन के स्पेस के लिए काफी यूजफुल साबित होगा। दरअसल व्हाट्सएप सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग की टेस्टिंग कर रहा है। इस फीचर के जरिए मैसेज एक समय के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। यूजर्स टेक्स्ट के साथ साथ सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फोटो और वीडियो भी भेज सकेंगे। व्हाट्सएप के अपडेट और लेटेस्ट फीचर पर नजर रखने वाली वेबसाइट वाबीटा इन्फो के अनुसार इस सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग फीचर को एक्सपायरिंग मीडिया के नाम से लॉन्च किया जा सकता है। ये फीचर या एक्सपायरिंग मैसेज फीचर का ही एक एक्सटेंशन होगा। सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज के तहत यूजर्स द्वारा भेजे गए फोटो, वीडियोस और टेक्स्ट रिसीवर के देखने के बाद अपने आप डिलीट हो जाएंगे। नहीं लिखा होगा दिस मीडिया इज एक्सपायर्ड। इस फीचर के तहत डिलीट फॉर एवरीवन फीचर की तरह दिस मीडिया इज एक्सपायर्ड लिखा नहीं मिलेगा। यह पूरी तरह डिलीट दिखेगा। वही सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज ऑर्डिनरी मैसेज से अलग फॉर्मेट में आएंगे, जिसे रिसीवर को पहले ही पता चल जाएगा कि बाद में अपने आप डिलीट हो जाएंगे। अभी हो रही है टेस्टिंग। व्हाट्सएप अभी इस खास फीचर पर टेस्टिंग कर रहा है। अभी इस फीचर में अभी और भी चेंज देखने को मिल सकता है। वही कंपनी मल्टी डिवाइस सपोर्ट फीचर लाने की भी तैयारी कर रही है, जिसकी मदद से यूजर्स एक ही व्हाट्सएप अकाउंट को चार डिवाइस में चला सकेंगे। तो ये तो थी आज की हमारी वीडियो। अगर से आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले, ताकि हम और अच्छे से अच्छे टॉपिक आपके लिए ला सके। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल टेक्निकल आदिलाबादी।